बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए एप्पल ट्री की वीडियो लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए हमें मैंने गुब्बारे ले लिए। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैंने कट कर लिया और हम इसमें पॉलिएस्टर की रुई भरेंगे। ये बहुत ही प्यारा एप्पल ट्री बनने वाला है, बहुत आसान है, आप सब कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, हमने इसमें रुई भर ली। आप अपने हिसाब से जितना आपने साइज़ रखना है सेब का, उस हिसाब से आपने इसमें रुई भर लेनी है। अब मैं यहाँ पे वायर ले लूँगी और जिसको मैं कटर की मदद से, मैं आपको सिखाती हूँ। ये कटर की मदद से हमने इसे थोड़ा सा घुमा लिया और इसको तीन चार दफ़ा गोल शेप में, राउंड शेप में हम इसको गोल करते जाएँगे, ताकि बिल्कुल जो नीचे दरमियान में लगनी है एप्पल की डोडी वो बन जाए। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। ये मैंने नीचे से रख के ये ऊपर से वायर निकाल लेंगे हम। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अब हम वायर को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारी है एप्पल की शेप आ गई है। और थोड़ा सा हम इसको और खींचेंगे और खींच के हम धागे की मदद से इसको जो है बांध लेंगे अच्छे से। और फ्लोरल टेप की मदद से मैं इसके थोड़ा ग्लू लगाऊंगी पहले फ्लोरल टेप पे, और इसकी जो टहनी है इस पर हम फ्लोरल टेप चढ़ा देंगे। जो गुब्बारे का हिस्सा बच गया वो सारा इकट्ठा हो जाए। देखिए माशाल्लाह से मेरे एप्पल तैयार हो चुके हैं सारे। अब पत्ते बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सिंपल रिबन ले लिया। इसमें हम ग्लू लगा के इसको डबल कर लेंगे, ताकि दोनों साइड से ये पत्ते जो है शाइन करें। ये देखें, अब थोड़ा इसको खुशक होने देंगे और सीज़र की मदद से हम कट कर लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करेंगे, दूसरी तरफ से कॉर्नर कट कर देंगे और थोड़ी सी पत्ते की शेप दे देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पत्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम, मेरे पास जो टहनी है उसको कलर करने के लिए मैं दो कलर लिए हैं, एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर है और एक गोल्डन है। ये ऑयल कलर है, मैं इनको मिक्स करके पेंट करूँगी। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया ब्रश की मदद से। और ये मेरे पास जो टहनी थी, इस पर हम हल्का हल्का पेंट करेंगे पहले, और हल्का हल्का पेंट करने के बाद, ये देखें आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप मेरी वीडियो पे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगती हैं वीडियोस। ये जो मैंने एप्पल तैयार कर लिए थे, इनकी टहनियाँ मैं ग्लू की मदद के साथ लगाती जाऊंगी। और टहनियाँ लगाने के बाद एक मरतबा हम फिर इस पे पेंट करेंगे हल्का हल्का सा, ये चॉकलेट और डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर और गोल्डन कलर का पेंट करेंगे ब्रश की मदद से। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये एप्पल मैंने लगा ली है। दोबारा से पेंट करेंगे इसके ऊपर, जहाँ मैंने फ्लोरल टेप चढ़ाई थी, और ये मैं इसको भी पेंट कर रही हूँ। अपने कमेंट में बताया करें आपको मेरा काम कैसा लगता है। अब ये जो पत्ते हैं, यहाँ पे हम ग्लू लगा के सारे ट्री पे लगा लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं आप सब के लिए न्यू वीडियो लेके आऊँ। प्लीज़ अपने कमेंट में बताइएगा। ये देखें एप्पल ट्री तैयार हो चुका है। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम मैं फिर न्यू वीडियो लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।